सुमा किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लेके आए हैं बेसन के लड्डू। तो देख लीजिए, हमने ये 200 ग्राम ये देखिए ये बेसन ले लिया है हमने, और एक कटोरी हमने ये चीनी ली है, और ये एक कटोरी से कम हमने घी लिया है देसी घी। तो ये तीन चीज़ों से ही हमारा बेसन के लड्डू बनेंगे। तो आइए दोस्तों, बनाते हैं बेसन के लड्डू। और इसमें हम घी डालेंगे ये देखिए, और ये थोड़ा सा घी हम इसे बचा लेंगे, ये हमने इतना घी डाल दिया है। हम बीच बीच में घी डालते रहेंगे। तो ये देखिए हमारे 200 ग्राम है पाउच, ये देखिए बेसन का, तो ये देखिए 200 ग्राम है। तो अब ये हमारा घी गर्म हो गया है, और अब इसमें हम ये पूरा पैकेट हम ये डाल देंगे इसमें, और आँच हल्की रहने देंगे क्योंकि ये हमारा जल जाएगा। आँच हल्की में इसे हम भूनेंगे। तो देखिए हमने ये डाल दिया है, और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। तो देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और इसे हल्की आंच में हम भूनेंगे, और हम इसे तेज़ आंच में नहीं भूनेंगे। अगर हम तेज़ आंच में भूनेंगे तो ये हमारा बेसन जल जाएगा, और ये फिर लड्डू बनने में कड़वा कड़वा सा होगा, इसलिए हल्की आँच में इसे भूनेंगे। बेसन के लड्डू बनाने में टाइम तो लगेगा दोस्तों, लेकिन यह है बहुत टेस्टी और बहुत स्वादिष्ट बनेंगे। तो देख लीजिए, अब इसे हम हल्के आंच में ही भूनेंगे, और बीच बीच में हमने जो घी बचाया है 2-3 चम्मच वो हम डाल देंगे इसमें। अभी फ़िलहाल हम इसे भून रहे हैं, ये देखिए अभी हम भून ही रहे हैं हल्के आंच में, और इसमें हम 1 चम्मच घी और डालेंगे, देखिए बस। और अब इसे हम भून, लेसन बिल्कुल भून गया है, और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखिए हमने इसमें कलर मिला लिया है, और आप चाहें तो मिला सकते हैं या नहीं भी मिला सकते हैं। और इसमें देखिए 1 चम्मच हमने ये लिया है, और ये हम डाल के अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे, इससे हमारे दानेदार लड्डू बनेंगे। तो देखिए ये हमने डाल दिया है, और इसे अच्छी तरह से, और अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम ये देखिए हमने ये चीनी हमने पीस ली है मोटी मोटी, और फिर हम ठंडा हो जाएगा तो हम ये चीनी डालेंगे, और ड्राई फ्रूट भी डालेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। पहले ये हमारा ठंडा होने से निकाल लिया है ताकि ये ठंडा हो जाए, और अब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम आपको, ये हल्का सा निवाया हो गया है ये देखिए। और अब इसमें हम ये बूरा डाल देंगे, और हमने देखिए ये बीज लिए हैं खरबूजे के, ये बीज हमने हल्के से घी डाल के फ्राई कर लिए हैं, 2 चम्मच लिए हैं। काजू लिए हैं हमने, बादाम लिए हैं, ये ऊपर आप थोड़ा ऊपर भी डाल सकते हैं लड्डू के ऊपर लगाने के लिए, और अंदर भी आप डाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, ये हम बूरा धीरे धीरे डालेंगे इसमें, तो देखिए दोस्तों हमने इसमें चीनी मिला दी है, और अब इसमें हम ये बीज भी डाल देंगे सारे, और थोड़े से हम काजू डालेंगे, थोड़े से हम बादाम डालेंगे, और इसे मिला लेंगे ये देखिए, और अब इसके हम लड्डू बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं, और देखिए कितने देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और एक नई रेसिपी के साथ फिर हम हाज़िर होते हैं। थैंक यू दोस्तों।